मान्यता ये एक प्रभावशाली शब्द है। ये एक छोटी सी चिंगारी जैसा है जो सबके दिल में होती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत प्रकार की मान्यताएं हैं। किसी पर निर्भर होना, प्यार में, नसीब में, या फिर अपने आप में। जो कुछ भी हमारी मान्यता है, आखिर में वो हमें कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। शिल्पा, चलो। पर कहाँ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी शांत जगह लेकर आओगी। क्यों? मुझे लगा कि तुम सिर्फ मार सकती हो। किसे पता था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो? मैं तुम्हें यहां लेकर आई, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे अब कुछ भी समझो, मुझे झगड़ना नहीं है। बस ये समझो कि मैं तुम्हें शुक्रिया कह रहा हूँ ऐसी जगह लाने के लिए। कम से कम आज मैं किसी का पीछा तो नहीं कर रहा। किसने कहा मैं योगा करने आई हूं? मैं कभी आराम नहीं करती। लेकिन तुम्हें ने कहा था कि हाँ, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो इसलिए तुम चुप थी और मुझे कुछ नहीं बताया। सच ये है कि तुम्हें मालूम था कि यहां पर एक वैम्पायर है। इस बार जो मैंने देखा वो और भी साफ है। उसे यहीं होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो आदमी, कौन? कृष्णा,
ये संडे भी बर्बाद गया। ए सुनो, बॉस ने जो काम दिया था उसका क्या, वो हो गया क्या? हाँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ। वैसे भी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम इतना क्यों बात करते हो? अमन, शिल्पा, तुम दोनों अगले हफ्ते का कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा है, जाके मेरे ऑफिस में चेक करो जल्दी। आओ, चलो आओ जल्दी। ओह गॉड, मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानना चाहती हूँ मैं, और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर बॉस, वेबसाइट के कंटेंट का क्या होगा? वो सब तो ऑफिस वालों को बेवकूफ बनाने के लिए था। अगर हो गया हो तो हम जा सकते हैं। हम चलते हैं बॉस। रुको, तुम लोग कब जा रहे हो अपने मिशन पर? मुझे भी साथ में लेकर चलो, मैं तुम्हारे लिए मददगार साबित होंगी। मुझे माफ करो, ये ऑफिस का काम है और कितना बोरिंग है ये काम। मैं तो करना चाहती हूँ फाइटिंग, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे लगता है आपको कल रात के बारे में भूल जाना चाहिए, और आपको पता है कि आप किसी काम की तो है नहीं, तो मिशन पर आना खतरनाक है। ओ शिल्पा, मैं इंजॉय भी करूंगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। एक बार भरोसा तो करके देखो, अगर मैं इतनी स्मार्ट ना होती तो भला यहाँ पर होती? बॉस, मुझे लगता है कि हमें शिल्पा की बात को मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तुम्हारी टीम का सूट है। अगर मैं तुम्हारी लीडर होती तो सुंदर लगती ना इसमें। अमन, दरवाजा बंद करो, मुझे इनको मारना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि अपने दिल की बात कहना अच्छी बात है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे इसे रोकना होगा। बॉस सुनिए, ये सूट और वैम्पायर्स को मारना ये सब कोई खेल नहीं है। आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, सच में। कितना सुंदर है ये रेड कलर का। बॉस सुनिए, ये सब बेकार है। ठीक है, सही है। लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद तुम लोग वैम्पायर को मारने ही तो जाओगे? हम चलते हैं बॉस। अरे बताओ तो, मैं ये सूट पहनने वाली हूँ। इस बार हम बच सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये धनराज की जो ब्लड डेवलपमेंट रिसर्च है ये सबसे रिलेटेड हो सकती है? और हाँ, इसे देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं है। सेमिनार के बाद उसने उस जगह को चेंज क्यों कर दिया? हो सकता है उसे डर हो गलती ना हो जाए,
अब जो भी गड़बड़ हो चुकी है वो उसे छुपाना चाह रहा होगा। एक खतरनाक वैम्पायर भाग गया है इसलिए। मुझे उसके सारे रिपोर्ट सभी देखने हैं। सारे के सारे? मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। खून को ऐसे लटका के क्यों रखा है? और इन सब पे लेबल्स भी लगे हुए हैं। ये खून डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट और शिल्पा की बहन, ये सब आपस में कनेक्टेड क्यों है? तुम एक बात भूल रही हो, उन्होंने मेरी मॉम के साथ जो किया। इससे साफ है कि वो कनेक्टेड है। हेलो मिस्टर कबीर, आपको भी यहाँ आना पसंद है? अब कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इस तरह से बार बार हम दोनों का एक दूसरे से टकराना, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। माफ कीजिए लेकिन हमें कहीं जाना है। कहीं जा रहे हैं? वैम्पायर को मारने? ये हमारा पर्सनल मैटर है। माफ करना मुझे, मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। जो दिल के करीब होते हैं उनसे बिना किसी झिझक के हर तरह की बात कर लेती हूँ मैं। कोई बात नहीं। लगता है आप उस रात बहुत ज्यादा डर गए होंगे। ओके, लेकिन आपको देख के मैं अपने होश खो बैठती हूँ। तुम इतनी चिपकू क्यों हो? फ्लर्ट क्यों कर रही हो? मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मिस्टर कबीर, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? कम से कम इमरजेंसी में कॉल कर लूं आपको। हाँ क्यों नहीं। आप मुझे 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकती हैं। हम दोनों ज्यादातर साथ में ही रहते हैं, इसीलिए मैं अपना नंबर दे रही हूँ। लीजिए मेरा नंबर। ओह शुक्रिया। क्या आप लोग वापस जा रहे हैं? तो संभाल के जाइएगा। चलिए बाय। बाय। चलिए सर, आइए। अभी? बाय बाय। फिर मिलते हैं। सी यू। हे हे सुजन, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही थी? बहुत रूड हो गई थी, ऐसा तो कभी नहीं करती हो। मेरा मूड खराब हो गया, मुझे वो पसंद नहीं है। तुम अपसेट क्यों हो रही हो? क्यूट है वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? हाँ। मेरी पसंद मिलना इतना आसान नहीं है। सर मैं एक टॉमबॉय हूँ। हाँ? मैं टॉमबॉय हूँ। कुछ भी। ए सुजन, मुझे छोड़ तो दो। सुजन, मेरे पास कार नहीं है। नहीं कर रहा। मुझे लगता है मैं शिल्पा को मारने वाली हूँ।
यहां आने से पहले वो एक गैंगस्टर और खूनी था, लेकिन यहां आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। मैंने सुना है कि उसके कई सारे भक्त हैं। वो उनके साथ सख्त है तो नरमी से भी पेश आता है। ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक खूनी था। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, उस पे नजर रखना होगा। लेकिन हाँ, तुम वैम्पायर का खून मत पीना। मैं जानती हूँ, नहीं तो उसे कपका मार के उसका खून पी गई होती। अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने उसका खून नहीं पिया तो तुम उसकी यादों को कैसे जान पाओगी? कैसे भी करके उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मारो। मुझे फिक्र हो रही है। कैफे में खून की बात करना, मुझे नहीं लगता ये जगह इसके लिए सही है। तुमने सही कहा। देखो, मैंने CCTV हैक किया है, सब नॉर्मल लग रहा है, कुछ भी अजीब नहीं है। मैंने इस पर बहुत दिनों से नजर रखी है, लेकिन इसे खून पीते नहीं देखा। हमें क्या करना होगा? कोई भी वैम्पायर ज्यादा दिनों तक बिना खून के नहीं रह सकता है। खून नहीं पिया तो जैसा तुमने सेमिनार में देखा वो वैसे हो जाते हैं। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा लोग इसके बारे में कहते हैं ये वैसा ही होगा। ये वैम्पायर अपने तरीकों का इस्तेमाल सही से करता होगा ताकि इसकी खून की प्यास कम हो सके। ऐसा नहीं हो सकता है। वैम्पायर को उनकी ताकत ही उनको जिंदा रखती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उनकी ताकत को कमजोर किया जा सके। मुझे लगता है कि ये मान्यता की थ्योरी से बढ़कर है, और ऐसा सच भी हो सकता है। टेक्निकली ये बस एक थ्योरी है। मेरा भरोसा करो, जल्दी ये किसी को मारेगा खून पीने के लिए, क्योंकि अगर ये खून नहीं पिएगा तो मर जाएगा। इसका रूम तो बहुत दूर है, ये किसी को भी बुला सकता है मारने के लिए। या हो सकता है इसे अपना बंगला शहर से दूर ही चाहिए होगा, जहां पर ट्रैफिक की कोई आवाज ना आए। तुम ज्यादा ही आशावादी हो रहे हो। तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो? सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वैम्पायर तो है, लेकिन ये एक बुरा वैम्पायर नहीं हो सकता है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं।
तीन हफ्ते तुम्हें उन लोगों को मारना होगा जो मेरे और हॉस्पिटल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे उनका नाम फिर से नहीं सुनना है, और अगर तुम नाकामयाब रही तो मुझे तुम्हें डेविड की तरह डार्क रूम में डालना होगा, समझी? क्या मैं भरोसा कर सकता हूं? बिल्कुल। मैं अपने इतने पुराने प्रोजेक्ट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैं भी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। गुड। इस बुक में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो। रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी जाना चाहिए। देखो वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, हमें बाद में जाना होगा। मिस्टर कृष्णा ये चाहते हैं कि हम ये बुक ध्यान से पढ़ें। अरे एक किताब गायब है। ये रही, इधर कैसे आ गई? हाँ मैं इसे ही ढूंढ रही थी। ये किसने चिपकाया? कार्ड कहाँ है? ये इधर कैसे आ गया? कितना क्यूट है ये। फोटो भी ठीक नहीं है। हो गया। डेटा के लिए शुक्रिया, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं होता। वाह, कम से कम कुछ तो अच्छा बोला। लेकिन ये काफी नहीं। बेटी सुजैन। हाँ आंटी जी। क्या तुम्हें सारी किताबें मिल गई? अभी तक तो नहीं। मैं घर वापस जा रही हूँ, लाइट्स और दरवाजा बंद करना मत भूलना। आप चिंता मत करिए, मैं कर दूंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय जी। रानी, सोफिया, सोफिया, thank you.
कौन हो तुम? जैसा मुझे लगा था, वो फिर अकेली चली गई। तो तुम ही हो जो कई दिनों से मेरा पीछा कर रही थी। चलो अंदर चल के बात करते हैं। तुम यहीं इंतजार करो, मैं आता हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूजन, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ सर, मैं ड्रेसिंग करके निकलती हूँ। सर, उन्होंने हमें देख लिया है, हमें संभल कर रहना होगा। इस एडवाइस की तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप मेरी चिंता कर रहे हैं सर? हाँ, सही समझे। मजाक कर रहा हूँ, इतनी जोर से बात मत करो। आखिर तुम सेफ हाउस में अकेले भी तो डर नहीं लग रहा? किस बात का? ये सेफ हाउस है, आप चिंता मत करिए। अपनी ड्रेसिंग करके मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ए, सूजन, रुको।
आपने तो मुझे चौंका दिया। अब ये मत कहना तुम डरी नहीं, देख रहा है कितना बुरा हाल है। आप यहाँ पे कैसे आए? अब मैं, ये तो स्क्वाड का सेफ हाउस है, मैं जब चाहूँ तब आ जा सकता हूँ। मुझे पता है। अच्छा एक जरूरी बात, मैं नहीं चाहता तुम अकेली रहो, चिंता हो रही है। चलो तुम्हारा खाओ, देखता हूँ, लाओ दिखाओ। नहीं मैंने ड्रेसिंग कर ली है, सब ठीक है। हाँ दवाई लो, मैं लाता हूँ, तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा, इस वक्त तुम्हारे लिए पेन किलर लेना बहुत जरूरी है। अच्छा तो कहाँ सोएंगे हम? मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं नहीं उसपे मैं सोऊंगा, कोई और जगह ढूंढो। तो आपने पूछा क्यों? तो क्या प्रॉब्लम है, टॉयलेट में सोना चाह रहे हो या फिर छत पे सोना है? नहीं मैं यही ठीक हूँ। रानी की वजह से तुमने मेरा पीछा किया शिल्पा? हाँ तुम मेरी बहन के बारे में जो जानते हो बताओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। शिल्पा रुक जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बता सकता हूं, मुझे पता नहीं कि तुम्हारी बहन कहां है। मैं अपना अतीत छोड़ चुका हूं, जब मैं एक बुरा इंसान था, जब मैं लोगों को मारा करता था। तुम एक मजहब के पीछे छुपे हो, ये क्या है, किस लिए है? अपने शिकार को बांधने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए, या फिर उन्हें मारने के लिए? ये मेरे लिए है, मेरे शिकार के लिए नहीं। बहुत साल हो चुके हैं मैंने इंसानों का खून पीना छोड़ दिया, मैंने अपनी ताकत को काबू में किया है और अच्छाई की तरफ बढ़ा हूं। लेकिन चेन और अच्छाई में बहुत फर्क है, तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। बातें बनाना छोड़ो और मुझे सच्चाई बताओ। मैं सिर्फ एक ही सच्चाई बता सकता हूं, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहां है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें नहीं पता हो। तुम्हें पता होगा कि मेरी बहन का गायब होना उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है या फिर किसी और से। तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ। नहीं मैंने खून करना बंद कर दिया है और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूंगा कि तुम भी ये बंद कर दो। तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझे कैसा महसूस होता है। कौन ये नहीं समझ पा रहा है, तुम या मैं? एक अरसा बीत चुका है मैंने खून नहीं चखा, हालांकि ऐसा महसूस होता है कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हो सकता है कि मैं आज रात ही मर जाऊं। इतना काफी है ना शिल्पा?
ठीक है, देखते हैं कितने समय तक तुम्हारा ये शांतिपन का ढोंग चलता है, और अगर तुम ये नहीं सह पाओगे तो मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। अपने असली रूप में आओ, मुझसे लड़ने के लिए। ये सब किसके लिए सह रहे हो? मेरे दिल का खून तुम्हें बताएगा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया। यहां क्या हुआ शिल्पा? मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया है, शिल्पा के लिए किया है। शिल्पा, अंदर क्या हुआ? इतना खून कहां से आया? मुझे अगला क्लू मिल गया है। क्या कहा तुमने? विश्वास ही शिल्पा को यहां तक लाया, और उस विश्वास के पीछे एक मकसद था जो कृष्णा के विचारों को मात देकर उससे सच को निकलवा सका। और हमें यह विश्वास है कि हम रानी के और भी करीब पहुंच रहे हैं। जी।
कैसे मिली।